श्रण। भगवान सबका नहीं लेते, उनको कोई कमी नहीं है। एक कथा सुनाता हूँ। छपरा जिला के एक संत थे, उन्हें सैकड़ों जन्म दिखते थे, जो बीत गए और जो आने वाले हैं सब वह नाम लिखना भी नहीं जानते थे। उनके यहाँ पीड़ता थी कि जन्म होने पर ही कंठी पहना देते थे, उनको भी बांध दिया गया था। सयाने हुए तो पूछा कि यह धागा क्या है। लोगों ने कहा वहाँ पर तुम्हारे गुरु की समाधि है, उनसे जाकर पूछो। वहाँ जाने पर उन्हें विशिष्ट दृष्टि की प्राप्ति हुई। गुरु के अनुग्रह से लौटकर घर वालों से उन्होंने कहा मैं अब कुछ नहीं करूँगा, केवल राम राम जपूंगा। मेरे हिस्से की जमीन के आधार पर आप मुझे रोटी दे देना। वह केवल राम राम करते थे। कबीर लोग सीताराम सीताराम नहीं कहते, केवल राम राम कहते हैं। जैसे राम स्नेही लोग करते हैं, खूब जपा सारी रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त हो गईं उनको। एक बार वह लोगों के आग्रह पर तीर्थ यात्रा पर आए, पर काशी में भगवान विश्वनाथ के मंदिर में नहीं गए। कबीर लोग निंदा करेंगे, कबीर मूर्ति पूजक नहीं है। जब वह लौटने लगे और गाड़ी पकड़ने की प्रतीक्षा कर रहे थे, तब भगवान विश्वनाथ दिव्य स्वरूप में अनेक तरह की मालाओं से सुसज्जित होकर वहां पहुंचे। त्रिशूल, डमरू, चंद्रमा, विभूषित, ललाट इत्यादि से सज्जित होकर बाबा देखते समझ गए कि भगवान हैं। दंडवत किया, क्षमा याचना की, कहा आपके मंदिर में नहीं आया। भगवान विश्वनाथ बोले कि यही तो कहने आया हूँ कि आप क्यों नहीं आए, आपको आना चाहिए था। बाबा ने कहा मैं मंदिर जाता तो कबीर लोग विवाद करते, मुझे सुनाते, निंदा करते, ये कहाँ चला गया। कबीर पंथ की मर्यादा को छोड़कर इसलिए नहीं आया, क्षमा चाहता हूँ। फिर धीरे से यह भी कहा मैं दरिद्र हूँ, मेरे जल की क्या महत्ता है, आपके यहाँ जल चढ़ाने वालों की कमी है, क्या लाखों करोड़ों लोग आते हैं। विश्वनाथ जी ने कहा मैं लोगों का जल नहीं पीता, मैंने ही कूप नदियाँ समुद्र बनाए हैं, मैं तो उन लोगों का जल स्वीकार करता हूँ जिनका हृदय आप जैसा होता है, जो मुझे भक्ति से प्यार से अर्पित करते हैं। कभी भी कुछ भगवान को अर्पित करो तो प्यार से समर्पित करो, दुर्भावनाओं को निकालो, संयत बनाओ मन को। कभी वह इधर भाग रहा है तो कभी उधर, दुर्भावनाओं से युक्त मन नहीं चलेगा। अपने मन में प्यार प्रेम धारा प्रवाहित करो और उसके बाद समर्पण करो, तब भगवान स्वीकार करेंगे। यह है कल्याण का मार्ग, मोक्ष का मार्ग। यह दान नहीं हुआ, दान तो छोटी चीज है। इसीलिए सनातन धर्म में जहाँ जहाँ पूजा की बात आती है तो कहते हैं प्रेम के साथ पूजन किया। स्टॉप।